हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हेयर विद पार्ट टू ऑफ लेसन माय एल्डर ब्रदर रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. टुडे वी विल डू वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक एक्सरसाइजेस ऑफ दिस लेसन. सो लेट मी स्टार्ट हेयर. द वेरी फर्स्ट वर्ड इज हेयर, दैट इज पेल. पेल मीन्स होता है येलोइश, यानी पीला पड़ जाना. सेकेंड वर्ड इज फाउंडेशन, दैट मीन्स सॉलिड बेस, यानी नींव. थर्ड वन इज फर्मली, दैट मीन्स स्ट्रोंगली, मजबूती से. ट्रेमेंडस, ह्यूज, यानी विशाल, बहुत सारी मात्रा में या बहुत बड़ा. एफर्ट मीन्स अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मीन्स होता है प्रयास करना. स्कोल्ड मीन्स टू रिब्यूक और चाइड, यानी डांटना. नेक्स्ट वर्ड इज स्केड्यूल, दैट मीन्स टू लिस्ट और मेक टाइम टेबल, यानी किसी चीज़ की सूची बनाना या समय सारिणी बनाना. नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्रीज, ब्रीज मीन्स होता है कूल वेन, यानी ठंडी हवा. नेक्स्ट मास्टर्ड, मास्टर्ड मीन्स होता है स्किल्ड, यानी निपुण या कुशल. जब हम किसी चीज़ में कुशलता प्राप्त कर लेते हैं तो हम कहते हैं ही हैज़ मास्टर्ड ऑन दिस सब्जेक्ट. स्केरी, स्केरी मीन्स होता है हॉरिबल, यानी डरावना. कोई चीज़ जब डरावनी लगती है तो हम बोलते हैं इट्स टू स्केरी. नेक्स्ट वर्ड इज़ पंचुअलिटी, दैट मीन्स डूइंग वर्क ऑन द करेक्ट टाइम, यानी किसी भी काम को समय पर करना. दैट इज़ कॉल्ड पंचुअलिटी, यानी समय की पाबंदी. नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्रैब, ग्रैब मीन्स होता है टू टेक विद फोर्स, यानी पूरी ताकत से किसी चीज़ को लेना. और टू स्नैच, यानी झपट कर, छीन कर कुछ लेना. अशेम्ड मीन्स होता है शेमफुल, यानी शर्मनाक. नेक्स्ट एग्जैक्टली मीन्स एब्सोल्युटली, यानी पूर्ण रूप से, बिल्कुल सही. रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट मीन्स लाइबिलिटी, यानी जिम्मेवारी या उत्तरदायित्व. नेक्स्ट आइडलिंग मीन्स डूइंग नथिंग, और इनएक्टिव यानी ऐसे ही कुछ भी नहीं करना, आलस में पड़े रहना. दैट इज़ कॉल्ड इनएक्टिव, सुस्त रहना. नेक्स्ट वर्ड इज़ एसे, दैट मीन्स कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट, यानी किसी भी विषय पर कुछ कंपोज करना, राइट करना. हिंदी में इसे कहते हैं निबंध. नेक्स्ट वर्ड इज़ विजडम, दैट मीन्स इंटेलिजेंस और नॉलेज, यानी बुद्धि या ज्ञान. हेयर कम्स क्वेश्चन आंसर्स फॉर दिस लेसन. सो वेरी फर्स्ट वन, व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू, कौन सी चीज़ें थी जो मुन्ना करना पसंद करता था. योर आंसर शुड बी लाइक दिस, मुन्ना लाइक्ड टू प्ले गेम्स एंड फ्लाई काइट्स, मुन्ना को पतंग उड़ाना और खेलना पसंद था. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड भैया डू ऑल डे, भैया सारा दिन क्या करता था. योर आंसर विल बी लाइक दिस, भैया रेड बुक्स ऑल डे, भैया सारा दिन किताबें पढ़ता था. नेक्स्ट, व्हाई वाज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम. आंसर विल बी लाइक दिस, मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल बिकॉज देयर वॉज नो टाइम टू प्ले इन इट. मुन्ना को वो समय सारिणी इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि उसमें खेलने का तो समय ही नहीं था. फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट वैन हीज भैया, वैन हीज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विद हिम. वाई वॉज भैया सो स्ट्रिक्ट विद हिम. मुन्ना फेल्ट बैड, यानी तुम्हें क्या लगता है कि मुन्ना को कैसा लगा होगा जब उसका भाई उसके साथ सख्ती से पेश आता था, और ऐसा क्यों था. तो यहाँ आप आंसर लेंगे, मुन्ना फेल्ट बैड, यानी मुन्ना को बहुत बुरा लगता था व्हेन हिज भैया वॉज सो स्ट्रिक्ट विद हिम, जब वो उसे बहुत सख्ती से लेता था. हिज भैया वॉज सो स्ट्रिक्ट विद हिम बिकॉज मुन्ना वाज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और भैया उस पर सख्ती इसलिए करता था क्योंकि मुन्ना उसका जिम्मेवारी थी. मुन्ना क्या थी उसकी जिम्मेवारी, कुछ भी मुन्ना के साथ हो जाता तो उत्तरदायी कौन होता, भैया. हेयर कम्स फिफ्थ क्वेश्चन, हुज कैरेक्टर डू यू लाइक मोस्ट, मुन्नाज और भैयाज, वाई. किसका कैरेक्टर तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, मुन्ना का या भैया का, और क्यों. योर आंसर शुड बी लाइक दिस, I like Munna's character more because he was good not only at
studies but also interested in other activities. Munna केवल पढ़ाई में ही अच्छा नहीं था बल्कि वो other activities में भी बहुत interest लेता था. Now here comes exercises. First one exercise you are to do yourself as you are to prepare a timetable using all the subjects and play time and you can paste them on your room's door. Okay beta, now you must know that page number 72 and 73 we will do later. After that I want to give you homework, read comprehension passages given on page number 74 number page par aapko comprehension passage yani unseen passage diya hai and you are to read that passage and try to give the answers aur unke answers dene hain. Comprehension ka meaning kya hota hai beta, kahin se bhi कोई पैसेज आ जाता है और उसके लिए जो क्वेश्चंस दिए होंगे उनके आंसर्स उसमें फाइंड आउट करने होते हैं. यू आर टू डू दैट वन एट योर होम. नेक्स्ट लेट्स राइट. फर्स्ट वन एक्सरसाइज टू लर्न मीन्स टू अंडरस्टैंड और टू गेन नॉलेज. यानी लर्न का मतलब होता है सीखना. टू टीच मीन्स टू शो हाउ और टू एक्सप्लेन. टीच का मतलब होता है पढ़ाना या दिखाना या किसी चीज़ की व्याख्या करना. You are to complete the following sentences using the correct form of teach or learn. आपको teach or learn की सही forms को use करते हुए box में से आपको यहाँ fill कर देना है. इससे पहले हम आपको ये exercise करवाएँ मैं आपको बताती हूँ. जो teach की first form होती हैं या learn की कोई भी verb की first form होती हैं वो कौन सी tense में use होती हैं. Simple tense में, simple present में और सिंपल फ्यूचर में. सिंपल फ्यूचर में विल और शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, आई वी यू दे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और जो थर्ड पर्सन होता है वो उनके साथ में आप एस या ई एस लगा देते हैं. ही शी इट या कोई भी थर्ड पर्सन होगा तो आप एस या ई एस लगा देंगे. और इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, उसमें हैज़ और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. हैज़ सिंगुलर्स के साथ में लगता है जैसे ही शी इट और कोई भी नाम हो और हैव आई वी यू दे के साथ में लगता है. लेकिन इनमें एक कॉमन क्या है, दोनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है बेटा. और जो सिंपल पास्ट टेंस होता है उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है. सो फर्स्ट वन सेंटेंस इज हियर, विल यू डैश मी चेस, क्या तुम मुझे शतरंज खेलना सिखाओगे. यू आर टू राइट हेयर टीच. नेक्स्ट मिस्टर शर्मा डैश क्लास एट्थ. मिस्टर शर्मा क्लास एट्थ को पढ़ाते हैं. यू आर टू राइट हेयर टीचिज. नेक्स्ट द स्टूडेंट्स हैव डैश अबाउट रोड सेफ्टी. यानी विद्यार्थी सड़क सुरक्षा के बारे में सीख चुके हैं. यू आर टू पुट हेयर थर्ड फॉर्म लर्नड. नेक्स्ट माई सिस्टर हैज़ डैश मी हाउ टू राइड अ हॉर्स. मेरी बहन ने मुझे सिखाया है कि एक घोड़े की सवारी कैसे की जाए. हैज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट. आई हैव डैश सम ऑफ द कस्टम्स ऑफ इंडिया. यानी मैं कुछ भारत की प्रथाओं के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में सीख चुका हूँ. यू आर टू पुट हेयर थर्ड फॉर्म लर्नड. नेक्स्ट I dash how to cycle when I was just 4 years old. जब मैं 4 साल का था तब से मैं जानता हूँ साइकिल कैसे चलाएं. यानी मैंने सीखी कब, साइकिल कब सीखी, जब मैं 4 साल का था. So right here learnt. Here comes second question. You are to put correct word of past tense. You are to use was or were with progressive tense. In simple past you are to write simple second form of the verb and let me start here. All the class 5 students of our class dash gathering in front of the principal's office. Whenever you see gather plus ing, I think verbs first form plus ing, you are to put was or were. And all the class 5 students
प्लूरल हैं तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, वह, दे डैश गोइंग फॉर द इंटर स्कूल डेज, दे इज़ अ प्लूरल सो यू आर टू राइट है वर. नेक्स्ट, द बस डैश एंड दे डैश फॉर द स्टेडियम, बस अराइव्ड, हेयर यू आर टू पुट सेकेंड फॉर्म, एंड दे लेफ्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ लीव. द रनर्स वर डैश टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी क्या है, यहाँ सब एक रेस की बात हो रही है, सभी स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े हो गए थे और सभी वहाँ जाने के लिए तैयार थे, बस आई और वे वहाँ से चले गए, और धावकों को कहाँ ले जाया गया, टू द स्टार्टिंग पॉइंट, हेयर यू आर टू राइट हेयर टेकन बिकॉज इट इज़ इन पैसिव फॉर्म. द रनर्स डैश देयर पोजिशंस, यू आर टू राइट हेयर टुक, यानी उन्होंने अपनी पोजिशन ले ली. सर डैश द विसल, सर ने सीटी बजाई. यू आर टू राइट हेयर ब्लू. वन स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल डैश फर्स्ट एंड डैश फर्स्ट, फर्स्ट में रैन लिखेंगे, सेकेंड में केम लिखेंगे. एवरी वन डैश देयर बेस्ट, हर एक ने अच्छा किया. डिड, यू आर टू राइट हेयर डिड. एंड आर स्कूल डैश द ट्रॉफी, हेयर यू आर टू राइट वॉन. एवरी वन डैश जॉयस, यू आर टू राइट हेयर फेल्ट. लास्ट बट नॉट लीस्ट, हेयर कम्स थर्ड एक्सरसाइज ऑन दिस पेज, यू आर टू पुट फॉर और सीन्स इन द ब्लैंक्स टू कम्प्लीट दैम. फर्स्ट वन, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस डैश आई वॉज ए बेबी. फिक्स टाइम के लिए हम सीन्स लगाएंगे, सो यू आर टू पुट हेयर सीन्स. दिस बिग जार हैज़ बीन इन आर फैमिली डैश मैनी ईयर्स, जब काउंटेबल और अनकाउंटेबल थिंग्स की बात आती है तो फॉर लगाएंगे. नेक्स्ट, द ओल्ड बनियन ट्री इन द विलेज हैज़ बीन देयर डैश द लास्ट 200 ईयर्स, यू आर टू राइट हेयर फॉर. नेक्स्ट, नोबडी हैज़ सीन हिम डैश यस्टरडे. फिक्स टाइम है तो आप यहाँ सीन्स लगाएंगे. दैट वॉज ऑल अबाउट द लेसन. आई थिंक यू हैव गॉट इट वेल, एंड वी विल मीट सून विद अ न्यू वीडियो. You, till then you are to write your word meanings and question answers in your notebook and do exercises in your fair textbook, that is Marigold. Okay, stay safe, fit and healthy. Bye.